क्योंकि मैंने 20-25 मिनट पढ़ना है, मैंने आयत पढ़ी है, वमा अरसल का इल्ला रहमतन लिल आलमीन, हमने आपको रसूल बनाकर भेजा, हमने आपको अरसाल किया मोहम्मद मुस्तफा आदम अलैहि सलाम से 4,24,000 साल पहले। अल्तमा तो साइट बाकी जिल्द नंबर 1 में लिखा है, अल्लाह ने नूर मोहम्मद मुस्तफा को 12 हिजाबों में रखा, हिजाब रहमत, हिजाब मन्नत, हिजाब करामत, हिजाब इज्जत, हिजाब हदायत, हिजाब मंजिलत, हिजाब शफात, 12 हिजाबों में रखा है। बंदा वो नौकर है, सरकार का तकरीर बोलेगा, पहला मोहम्मद भी हिजाबों में रहा, आखिरी भी पहले। सलामत रहे, पहला मोहम्मद भी हिजाबों में, 12 हिजाबों में रहा है मेरा रसूल, हिजाब रहमत, हिजाब मन्नत, हिजाब करामत, जितना जो सर ये सरदार ने पढ़ा है, मैंने बस उसी पे नौकरी करनी है, क्योंकि लक्ष्य कदम पे चलना है तो नौकरी है लोगी। फिर मैंने जनाब हजरत अबू अय्यूब अंसारी का एक वाक्य पढ़ना है, ताकि पता चल जाए मिलाद मनाया कैसे जाता है, मिलाद सजाया कैसे जाता है। 12 हिजाबों मेरा रसूल रहा, सरकार ने कहा है नमाज पढ़ो, इमाम अहमद रजा खान बरेलवी ने फरमाया है सही वाली दिया में, जो नमाज नहीं पढ़ता वो मिलाद ना मनाए, और जो मजलिस में आने से पहले नमाज नहीं पढ़ता वो या हुसैन ले करे यार। मैं सैयदों की मौजूदगी में बादशाह हूं, नौकरी कर रहा, झूठी बात होगी तो मुर्शिद पकड़ लेते हैं, क्योंकि मांगने वाले पीर और हैं, बांटने वाले और हैं। माला के नौकर से किसी ने पूछा, सरकार ये जो मांगने वाले हैं, अपने फरमाया जो मांगने वालों से मांगता है वो सदा ही मांगता है, जो बांटने वालों से मांगता है वो सदा ही बांटता है। अब पता नहीं मांगने वाले कितने बैठे हैं, बांटने वाले कितने बैठे हैं। 12 हिजाबों में मेरा रसूल रहा, अल्तबा तो साहब का चंद नंबर 1 में लिखा है, 12 हिजाबों में, पहले हिजाब में अल्लाह के नबी ने के नूर ने, अच्छकुन मिन अल्लाह नूर व किताबु मुबीन, शर्म नहीं आती, मोहम्मद बशर था हम जैसा था, मोहम्मद हम जैसा कहता है, कह देता है खाना पीने के हुए एक होने की दलील है, सरदार बैठे हैं, बाबा जी इल्म में से कोई आपका मुरीद उठ के नहीं कह सकता ये मुर्शिद मेरे जैसे है, मैं कह देता हूँ जो आपके जैसे है, आप कहेगी नहीं हम नहीं मानते। बंदा खुदा आज का सैयद तुझे अपने जैसा नहीं रखता, जो नबियों का नबी हो वो तेरे जैसा कब हो। यासर अब्बास को सुनना है तो खड़गे घर में रख के आया करो, 12 साल मुर्शिद हुसैन की नौकरी में मैंने आज तक अशरों में भी खड़ी नहीं बांधी, कोई न्याद दे तब भी ना करो, कोई ना दे मत तब भी ना करो, क्योंकि अली का दिया खाता हूँ, वलायत अली मेरी नस-नस में है, न मैंने किसी मुल्ला से ली है, न किसी मौलवी से ली है, हम पीर किसी को मानते हैं, जब बादशाह का नौकर है तो फिर इसी पे 4 सत्र सुना दो, जय शान इमरान की नहीं समझी वो भी समझो अकल मुसाफर है, जय शान इमरान की नहीं समझी वो भी समझो अकल मुसाफर है, फिर इंसाफ की सिपाहिया ली तो एक फलसफा सोच तो गाफर है, जय कर मैं यार मोहम्मद है तो सिर्फ जबान को इतना लस तू जाली चुन के आती है, जय जा के पाले काफर है। तो जाली चुन के आ जाए तो हाजी, अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, मिलाद पढ़ता है तो अबू तालिब से शुरू किया कर। दाई हलीमा की बहुत बड़ी शान है, चींटियों का भी नौकर, क्योंकि रसूल को छूने देती रही, रसूल को उठाती रही, रसूल को खिलाती रही, वो खिलाना नहीं खेलने वाला। दाई हलीमा की बहुत शान है, भाई इंसाफ किया कर, जो थोड़ी देर रसूल को उठा ले उसकी नाते पड़ता है, जो 32 साल चादर में लेके रहा उसका जिक्र ही नहीं करता। अबू तालिब अली के बाबा ने कलमा नहीं पढ़ा, अगर अली के बाप ने कलमा नहीं पढ़ा तो आज के बाद नमाज में दुरूद पढ़ना छोड़ दे, मोहम्मद बेटे तो
असली हो तो कुत्ते में भी गैरत की नमक है। मेरी खुश भक्ति है कि किधर कहते हैं शताब्दी को, अलवी कहते हैं अली के बच्चे को। शताब्दी भी है, अली भी है, औलादे अली भी है। जो बंदा औलादे अली है ना, वो बाबा का नाम सुन के खुश होता है। बच्चे वही बाप का नाम सुन के माथे पे शिकनाती है। जिनको शक हो, जिनको यकीन हो, ना इनसे हो, फिर उस पे शक नहीं किया जा सकता। नस्ली हो तो कुत्ते में भी। बाबा ये आपकी नजर है, अब मैंने देखना है कौन कौन आपका नौकर है, कौन कौन सरकार का नौकर है, कौन कौन अली बादशाह का नौकर है। नस्ली हो तो कुत्ते में भी गैरत की नमक है। मालिक के सिवा चीज बनाई नहीं खाता। मांग कर खाते हैं, छीन कर नहीं। जनाब इमरान, सबसे पहली बड़ी बात, अली के बाप ने कलमा नहीं पढ़ा। कुरान की कसम, रसूल की कसम, बतूल की कसम, चौथा की कसम नहीं पढ़ा। कलमा वो पढ़ता है जो पहले काफिर हो। कलमा वो पढ़ता है जिसने पहले कलमा ना पढ़ा हो। हालांकि की माया राज शख्सियत तशरीफ फरमा है। बाबा जी मैं आपसे माफी मांग के कहता हूँ, सरकार कलमा आंदा जी ये बंदे उठ के छित्तर मारेंगे, थप्पड़ मारेंगे। शर्म नहीं आती उन्हें कलमा पूछना है जेड़ा लोगों नु पढ़ांदा। तो शर्म नहीं आती जो मोहम्मद को चलना सिखाता रहा, जिसकी गोद में नकुवत पलती रही उससे कलमा मांग रहा है, जिसके दस्तरखान पे मोहम्मद खाता रहा उससे कलमा मांग रहा है, जिसका निकाह मोहम्मद का पढ़ाया हो उससे कलमा पूछ रहा है। भाई कलमा वो पढ़ता है जिसके बाप ने न पढ़ा हो, जिसके बेटे ने न पढ़ा हो। भाई कलमा वो पढ़ता है जिसका बाप काफिर हो। जनाब इमरान नाम है कुनियत अरब की वजह से। अरब में आज भी जो पढ़ी लिखी मस्तूरात है ना, अपने शोहरों के नाम नहीं ले चले, बेटे की वजह से कहते हैं। अब्दुल्ला के बाप बात सुनना, अली के बाप बात सुनना, हसन के बाप बात सुनना। सरकार मोहम्मद के नौ चाचा और हैं। अरबी ग्रामर में लफ्ज़ ताया नहीं चाचा है, मुफस्सर लोग तशरीफ फरमा है। अरबी में ताय को भी चाचा कहते हैं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा बारिला हतास बेटे ने देख तेरे बेटे पे कुर्बान कर दूंगा। तारीख यकूबी जिल्द नंबर 1 में लिखा है। 10 बेटे हुए, एक बेटे को लेके चले, सबसे खूबसूरत और हसीन बेटे का नाम था अब्दे मनाफ या अब्दुल दिलदार। दो रवायतें हैं। सरकार जैसे जमा करने के लिए ले गए, उम्मत साहब रिश्तेदारों ने कहा इतना हसीन बेटा हसीबा कर देगा। फरमा 300 ऊंटों की कुर्रा रख, 30 ऊंटों की जगह जनाबे अब्दुल दिलदार का नाम रखा। जैसे ऊंटों की पर्ची निकली आपने फरमा नंबर सिबा करूंगा। फिर कुर्रा डाला, ऊंट 60 हो गए। जैसे कुर्रा डाला ऊंट 90 हो गए। जब आखिरी मरतबा कहा ना तीसरी मरतबा है 100 ऊंटों का कुर्रा रख ले, एक मरतबा एक मकाम पर मोहम्मद मुस्तफा के पाक बाबा का नाम रख दे। जैसे पर्ची उठाए कुर्रा निकाला जनाबे अब्दुल दिलदार का निकला। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हाँ अब्दुल्ला है, ये आज से अल्लाह का बंदा है। उस दिन से सरकार का नाम अब्दुल मुत्तलिब की जगह से अब्दुल मनाफ की जगह से अब्दुल्ला हो गया। फिर तुझे शर्म नहीं आती अगर अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा? अबू तालिब इस्लाम में नहीं था। अगर अबू तालिब कलमा नहीं पढ़ता था तो अबू तालिब ने नाम रखा है मोहम्मद। और काफिरों की दी हुई चीजें घर में नहीं रखा करते। मेरे वाली बार बच गया ना। जल्दी जल्दी 12 हिजाबों में रमजान सुन रहा। पहला हिजाब हिजाब रहमत, हिजाब मन्नत, हिजाब करामत, हिजाब शफाअत, हिजाब इफ्फत, हिजाब हदायत, हिजाब मंजिलत। 12 हिजाबों में रहा है मेरा रसूल। पहले हिजाब ने 1100 साल तस्बीह पढ़ी है मेरे रसूल ने। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह जी, तस्बीह के काबिल है वो अल्लाह। अब वहां से कुदरत है मेरा महबूब, तूने इतने बरस इतनी तस्बीह की है, मैंने हर नमाजी को ये तस्बीह कयाम में याद ना करवाई तो अल्लाह ना कहना। दूसरे हिजाब में सुभान रब्बी अल अला व बिहम्दिही, अल्लाह के नबी ने 10,000 साल पढ़ी, नमाज मेराज हो गई। अब सोच के बताना मोहम्मद मुस्तफा का मिलाद मनाने वाले को मिलता क्या है? सरकार ने पहले बता
چلتے ہیں. سورہ آل عمران کی آیت ہے, من جب الحسنات افلا و اشرم صالحا, تو میرے رستے پہ خرچ کر دے میں بدلے میں تجھ سے 10 دوں گا. صحابہ کرام کا جب سوال ہونا اجمعین 1300 صحابی ہے. بس میرا آخری فضائل کا جملہ میں نے آپ کی سوچوں سے پہلے ممبر چھوڑ دے رہا ہے, کیونکہ بادشاہ بیٹھے ہیں, بادشاہ کے ہوتے ہوئے نوکروں کو قیمت نہیں دی جاتی. جیسے سرکار نے خندق کا میدان ہے, 1600 صحابی ہے, اللہ کے نبی کے ساتھ ہے, جیسے صحابی خندق کھول رہے ہیں, حضرت ابو ایوب انصاری, یہ بندوں کے دلوں میں کسی نے غلط فہمی ڈالی ہے کہ ہم شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے. آج کے بعد ریاست باز بر بھی جائے تو جملہ نہیں مرے گا. جو صحابی کو برا کہتا ہے وہ پٹا حرامی ہے, جو برے کو صحابی کہتا ہے وہ بھی حرامی ہے. سوائے کے مورکا میں آپ شیعہ ضرور بولنا جتنے بیٹھے, میں آپ کا نوکر آپ کے عقیدے کی ترجمانی کر رہا ہوں. اسوائے کے مورکا میں علامہ ابن حجر مکی اسقلانی نے لکھا ہے, حضرت عمر بے شمار خوبیوں کے مالک فرماتے ہیں, ہم مومن اور منافق کی پہچان ہی نام علی سے کرتے تھے. دیکھو کتنے بڑے صحابی نے کتنا بڑا نام لیا ہے. اب علی علی کرنا صحابہ کی سنت ہے, جو نہیں کرتا وہ کسی کا بھی نہیں ہے. چلو ایک جملہ اور, ام المومنین حضرت بی بی عائشہ فرماتی ہیں, بی بی آپ کے مسکرانے پہ جملہ بول رہا, اب مجھے نہیں پتا کون دیکھے گا, کون بولے گا, کون عمران سے کہے گا کہ ہونے انہوں نہیں سدنا, فرق شاہ سے نہیں کسی نے کہنا کہ بھائی انہوں نہیں سدنا, میں نے 14 کی نوکری کرنی ہے. بابا جی تشریف فرمائے, کوئی اور بلائے یا نہ بلائے, اولاد تو بلائے گی نا. عمر مومنین حضرت بی بی عائشہ فرماتی ہر ریاض النصرہ میں, آپ فرماتی ہے کہ ایک دن میرے بابا سچے باپ کی سچی بیٹی فرماتی ہے کہ ایک دن میرے بابا میرے حجرے میں آئے, اتنے میں حسنین کریم آئین امام مین طیبان تک یا لکیان کریم آئین کے پاک بابا میرے حجرے میں آگئے. یہ میرا بابا بیٹھا ہے, یہ علی بیٹھا ہے, یہ میرا باپ بیٹھا ہے, یہ علی بیٹھا ہے, یہ محمد کا صحابی بیٹھا ہے, یہ محمد کا داماد بیٹھا ہے, یہ محمد کا سسر بیٹھا ہے, یہ محمد کا داماد بیٹھا ہے, یہ بی بی عائشہ کا بابا بیٹھا ہے, یہ حسنین کا بابا بیٹھا ہے, یہ محمد کا صحابی بیٹھا ہے, یہ حسنین کا بابا بیٹھا ہے, یہ محمد کا صحابی بیٹھا ہے, یہ من کنت مولا بیٹھا ہے, یہ محمد کا صحابی بیٹھا ہے, یہ صاحب ذوالفقار بیٹھا ہے, یہ محمد کا صحابی بیٹھا ہے, یہ انما ولی کم اللہ والا بیٹھا ہے, یہ محمد کا صحابی بیٹھا ہے, یہ نبی کا داماد بیٹھا ہے, یہ نبی کا صحابی بیٹھا ہے, یہ کعبے میں آنے والا بیٹھا ہے, یہ نبی کا صحابی بیٹھا ہے, جس کے لیے ذوالفقار آئی وہ بیٹھا ہے. جیسے بی بی عائشہ فرماتی ہے, میرے بابا کو کافی دیر ہو گئی, میں نے کہا بابا آپ علی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں, جواب کیوں نہیں دیتے؟ میری بیٹی بی بی